हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मतलब हमें क्या बताना है, टेंशन बतानी है ना। मतलब इस फिगर में ये जो हमारी टेंशन है ना, इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैम्ब्स थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि इस फोर बॉडी पर, मतलब ये जो 4 किलोग्राम की बॉडी है ना, इस पर क्या तीन फोर्सेस मल्टीपल एक्ट कर रहे हैं ना। तो जब किसी भी बॉडी पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लैम्ब्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर लैम्ब्स थ्योरम का यूज करके क्या हमें टेंशन को बताना है कि टेंशन कितनी होगी, है ना। सो अब देखिए, 4 किलोग्राम के सामने एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल पूरा बनेगा, और मतलब टी के सामने एंगल क्या पूरा, ये एंगल बनेगा। तो हमें पहले एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड कर ले तो क्वेश्चन खत्म। बस एंगल यहाँ पे थोड़ा फाइंड करना है, बाकी हमें वही लैम्ब्स थ्योरम वाला जो फॉर्मूला होता है उसी में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सो देखिए, 4 किलोग्राम की जो बॉडी है उसके सामने ये पूरा एंगल बन रहा है। तो पहले हम थोड़ा इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एंड ये 90 है ना, और ये 90 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था कि 4 के सामने कितना एंगल बनेगा, तो ये वाला पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 + 30 हो जाएगा, देन टी के सामने क्या, ये पूरा एंगल बनेगा, तो ये 90 बन रहा है ना। तो टी के सामने क्या पूरा 90 + 60 बनेगा। और इसका यहाँ पर 4 किलोग्राम का हम लोग एमजी भी तो ऐड करेगा नीचे, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4g, दैट इज 40 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, बस लैम्ब्स थ्योरम का फॉर्मूले में रखना है। लैम्ब्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि F1 है ना, मतलब लैम्ब्स थ्योरम का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो T upon sin 90 plus 60 equal to 40 upon sin 90 plus 30। अब देखिए, साइन ब्रैकेट 90 प्लस 60 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू, अभी हम लोग cos 60 वैल्यू बाद में पुट करेंगे, 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30। सो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, एंड 40 cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पर √3/2 T = यहाँ पे 20, तो यहाँ पर T = 40/√3 आ गया। सो हमारी टेंशन क्या आ गई, 40/√3 आ गई। बट ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 45 न्यूटन, 23 न्यूटन, 33 न्यूटन और नन। तो अब इसमें से क्या होगा, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 40 upon √3 न्यूटन आया तो नन होगा। बट यहाँ पे मैं √3 की वैल्यू पुट करके डिवाइड करना होगा, और जब हम √3 की वैल्यू पुट करकर 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा 23 न्यूटन, है ना। सो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको मतलब ये जो वैल्यू आई है इसमें अगर हम √3 की वैल्यू रख दें और 40 को डिवाइड कर दें √3 से, तो क्या 23 न्यूटन अप्रोक्स में आ जाएगा। तो 23 न्यूटन ही हमारा राइट आंसर है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।